बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं फ्रोज़न पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक मैं सादा बनाऊंगी और एक मैं सब्ज़ प्याज के पत्ते, जो इस तरह के रूट्स होते हैं, इसकी कटिंग करके फिर मैं इनकी फिलिंग करूंगी और इसे बनाऊंगी फ्रोज़न पराठा। क्योंकि कभी हमें जल्दी होती है, कभी आटा नहीं गूंदा होता, तो जल्दी से निकालें और सैरी के टाइम इस्तेमाल करें या सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो मैंने लिया है फाइन आटा और थोड़ा सा गंदम का आटा जो कि घर का पिसा हुआ है। ये मैंने तकरीबन आधी प्याली ली है और आधा किलो मैंने फाइन आटा लिया है। थोड़ी सी मैंने कलवंजी ली है, चीनी एक टेबल स्पून ली है, नमक मैंने आधा टी स्पून लिया और ये रूट्स लिए हैं मैंने सब्ज़ प्याज के, और मैंने घी लिया है क्योंकि थोड़ा सा मेल्टेड भी है और थोड़ा सा ये जमा हुआ भी है, इस तरह का होना चाहिए। और पानी गूंदने के लिए सबसे पहले मैं आटे के अंदर ये दूसरा गंदम का आटा मिक्स करूंगी। आप मैदे के अंदर भी हाफ गंदम का आटा और हाफ मैदा इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने कुछ इस तरह से किया है। नमक लिए है मैंने आधा टी स्पून, चीनी एक टेबल स्पून और कलवंजी के चंद दाने, जो कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। इसमें शफा भी है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, तकरीबन एक टेबल स्पून। आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगी इसकी बाहर वाली परत। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी इसके अंदर। खुश्क सारा जब मिक्स हो जाएगा फिर मैं हाथ से गूंदूंगी। जितने हम चपाती बनाते हैं उससे हमने थोड़ा सा टाइट गूंदना है। नमक हमने टेस्ट के लिए डाला है और चीनी थोड़ी सी डाली है कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आएगा। ये देखें, कुछ इस तरह की डो होनी चाहिए। अच्छी तरह से खुश्क आटा मिक्स हो गया। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। ये देखें टाइट है, हल्का सा, सॉफ्ट नहीं बनाना हमने पूड़ियों वाला या रोटी वाला। और मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर इसकी मैं गूंदाई दोबारा करूँगी। इसको गूंदते हुए मैंने एक स्मूथ डो तैयार कर लेनी है। ये हमारी डो गूंद कर तैयार हो गई है। ये देखें, हाथ को बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। अब मैं इसे ढक कर रख दूंगी। इन प्याज के पत्तों को काट कर मैंने धोकर खुशक कर लिया है और इसे मैं कट करूंगी। पहले हमने धोना है फिर हमने कट करना है। अगर हम पहले कट करके तो धो लें तो इसके अंदर पानी भर जाता है अच्छा खासा और एक लेस सी बन जाती है। इस तरह मैंने इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। डो को मैंने रेस्ट दिया है। अब मैं इसे रोल करूंगी इस तरह, और एक पेड़े के बराबर, रोटी के पेड़े के बराबर इसकी डो कट करूंगी। पेड़े तैयार मैंने कर लिए हैं। अब मैं इसे एक मोटे कपड़े से ढक कर रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसे रेस्ट देना ज़रूरी है, रेस्ट के बगैर ये अच्छा रिजल्ट नहीं आता। फ्रोज़न पराठे और प्याज वाले पराठे के लिए मैंने ये घी लिया है, कुछ इस तरह का, हल्का हल्का मेल्टेड है और ज़्यादा बिल्कुल भी मेल्ट नहीं है, इसी तरह का होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैं ये मैदा डालूंगी, तकरीबन 5 टीस्पून पेस्ट सी बना लूंगी। ये देखें इसकी पेस्ट कुछ इस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ये एक पेड़ा लिया है और इसे मैं बेल लूंगी। इसकी एक रोटी बनानी है मैंने पूरी। रोटी को मैंने बेल लिया और ये मैंने जो पेस्ट बनाई थी ये इसके ऊपर हाथ से इस तरह लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर ये प्याज के पत्ते डालूंगी। ये भी मैंने तकरीबन 1 ही टेबलस्पून लिया है। अब मैंने ये रोटी लेनी है, इसे इसी तरह फोल्ड करना है और फिर इसे उठाना है इस तरह। उठाकर फिर मैंने आगे बढ़ाना है जितनी ये पट्टी है, फिर इसे मैंने फोल्ड करना है। फिर मैंने इसे ऊपर बढ़ाना है, इस तरह उठा के आगे बढ़ाना है और इसके ऊपर दोबारा से रख के फिर इस तरह प्रेस कर देना और फिर बढ़ाकर
फिर इस तरह ये देखिए एक पट्टी सी तैयार हो गई है। इसे मैंने इसे हाथ से इस तरह प्रेस कर देना है और इसे फोल्ड कर देना। और ये जो एक किनारा है इसका सिरा है इसको इस तरह नीचे रख देना इस तरह, और इस तरह दबा देना। इसी तरह प्याज वाला मैं दूसरा तैयार करूँगी। ये पेस्ट लेनी है मैंने एक टेबलस्पून। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और मैं इसके ऊपर प्याज डालूँगी। ये मैंने प्याज के पत्ते ऊपर लगा दिए। अब मैं इसे इसी तरह फोल्ड करूँगी, इसी तरह आगे बढ़ाती जाऊँगी और इसे थोड़ा सा इस तरह टैप करूँगी ताकि ये लंबाई में ज़रा ज़्यादा हो जाए। और इसके भी मैं इधर घी लगा दूँगी क्योंकि मैंने उसके नहीं लगाया, उसके अंदर कवर में आ गया था, तो इसके अंदर ये मैं इस तरह घी लगा दूँगी। इसे फोल्ड करूँगी और इसका किनारा नीचे रखूँगी और इसे हल्का सा प्रेस करूँगी और इसे रख दूँगी। सादा लच्छेदार फ्रोज़न पराठे के लिए मैंने इसे बेल लिया और इसके ऊपर ये मैंने पेस्ट भी लगा दिया और मैं इसे फोल्ड करूँगी। इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया, जाना एक साइड से सिर्फ मैंने फोल्ड कर रही इस तरह, दूसरी साइड को मैंने कुछ नहीं करना, इस तरह इसे छोड़ देना। और इसे भी मैंने इस तरह बना देना, इस तरह थोड़ा सा लंबा सा रोल बनाऊंगी और इसी तरह मैं रख दूंगी, इसी तरह मैं रख दूंगी इसे। सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। मैं हल्का सा खुशका लगाऊंगी और इसे मैं बेलूंगी। हल्के हाथ से हमने इसे बेलना है। चूल्हे पे तवा रखा और इस तरह हीट देखें 2-3 इंच के फासले से तवा गर्म है तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। इसे हमने ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। इसे मैंने बारीक नहीं करना, इतना होना चाहिए ताकि इसकी लेयर्स खुल के आए। इस पराठे को मैं फ्रीज़ करूँगी, ये तकरीबन 30 से 45 सेकंड तक सिर्फ मैंने इसे पकाना है और इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसे मैं उतार दूँगी। ये देखिए इस तरह का कच्चा पक्का सा होना चाहिए ताकि आपस में चिपके ना और ये ख़राब भी ना हो, इसके अंदर ज़्यादा बर्फ भी ना जमे। बस ज़्यादा नहीं पकाना हमने, सिर्फ 1 मिनट मैंने इसे पकाया है। और ये देखिए इस तरह की कुछ भूख होनी चाहिए। अब मैं सादे पराठे को हल्का सा सेकूँगी। बस हल्का सा मैंने इस तरह सेक लेना है, बस आटा नहीं चिपकना चाहिए इसका, हमने ज़्यादा भी नहीं पकाना, इसे हमने दोबारा से इसे घी लगा के फ्राई करना। लच्छेदार फ्रोज़न पराठे के लिए मैंने ये अब प्याज वाला पराठा डालूँगी। जो फ्रीज़ करने थे वो मैंने थोड़े थोड़े सेक लिए हैं, अब ये मैं मुकम्मल तौर पर आपकी इसकी लेयर दिखाऊँगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। साइड चेंज करके फिर मैंने इसके ऊपर घी लगाना है और इसकी दोबारा से साइड चेंज करना। और चिमटे से हमने या कोई चम्मच से इसे इस तरह घुमाते जाना ताकि नीचे से ये क्रिस्पी हो और इसके अच्छा सा कलर आ जाए। इसे हमने दरमियानी आँच पे सेकना है, देखिए जलाना नहीं है। ये देखिए किस तरह इसके लच्छे खुल रहे हैं। इतना ही ये क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए इस तरह तवे पे पड़े पड़े इस तरह कर दें। जो हमारे बड़ी दादी नानियाँ थी वो तवे पे पड़े पड़े इस तरह कर देती थी, इसकी लेयर बड़ी अच्छी खुल जाती थी। और ये देखें तो मैं इसे उतार लूँगी। ये हमारे
फ्रोज़न पराठे और वैसे भी जो मैंने पराठे बनाए हैं मुकम्मल तौर पर जो रेसिपी दी है ये भी बनकर तैयार हो गया। ये देखें, और ये भी मुकम्मल तौर पे जो प्याज वाला है ये भी मैंने मुकम्मल तौर पे बनाया है। इसके लेयर्स देखें सारे खुल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो जो मैंने फ्रीज़ करने हैं ये भी मैंने हल्के हल्के सेक लिए हैं। और इसे मैंने कोई थैली लेनी है, जिस तरह के दूध की थैली होती है, जो कपड़े जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, तो ये मैंने धोकर दूध वाली थैली खुशक कर ली थी। और ये इसके ऊपर रखूँगी, और ये एक ये पराठा रखूँगी, और फिर एक थैली रखूँगी, और फिर एक पराठा रखूँगी। इस तरह ये मैंने फ्रीज़ करने हैं, जब ज़रूरत होगी एमरजेंसी, या वैसे भी अगर कई दफ़ा सहरी में देर हो जाती है तो आटा भी नहीं गूंदा होता, तो इसके लिए इस तरह ये निकाले और फौरन की फौरन सेक लें। और इसी तरह ये मैं रखूँगी, और ये प्याज वाला भी इसी तरह मैं डाल दूँगी, इसके ऊपर सेक दूँगी। फिर मैं दूसरी थैली रखूँगी, इसी तरह मैं इसे फ्रीज़ करके ठंडा करके, आपने फ्रीज़ करना किसी डब्बे में डाल दें या इसी तरह प्लेट पर रख के शॉपर में, बड़ा शॉपर में डाल के, और आप इसे किसी प्लेट के ऊपर रख के आप फ्रीज़ कर लें। यह बेहतरीन से आप एक महीने तक बेशक बना कर रखें, या किसी कोई स्टूडेंट है उसे आपने देने हैं तो उसे भी आप दें बना कर। इसी के साथ फ्रोज़न पराठे की रेसिपी और मुकम्मल तौर पर जो मैंने पराठे बनाए हैं, दो प्याज वाले और ये सादा, ये मुकम्मल हो गई है। अगर ज़रा सी भी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।